पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज आदरणीय मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद के द्वारा आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ई नीलामी पोर्टल, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की NIC वेबसाइट और माई MDA ऐप, इन तीन चीज़ों का आज लोकार्पण किया गया। मैं एक एक करके तीनों की विशिष्टियां आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। जो हमारा ई ऑक्शन पोर्टल है, ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है प्राधिकरण की, जो नीलामी के अंतर्गत संपत्तियों का विक्रय होता है उनको अचीव करने के लिए। इसमें जो है हमने एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाया है और वो हिंदी में है। बाकायदे जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं MDA की किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने में, वो इस वीडियो को पहले देख सकते हैं और इसके माध्यम से फिर उस वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं से उनको ऑनलाइन ही उस परिसंपत्ति की बुकलेट परचेज की जा सकती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी ऑनलाइन ही पे किए जा सकते हैं। और जब एक निर्धारित विंडो होगी उस दिन उस प्रॉपर्टी के ऑक्शन में, वो मनचाही जो प्रॉपर्टी है उसके ऑक्शन में, अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वहाँ से उस जो संपत्ति है उसकी नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के जो हमारे जो बिचौलिए होते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, जो कि जो है साधारण जनता नहीं, नीडी लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों का इंटरवेंशन से मिनिमम रखा जाए। कई बार जो है प्राधिकरण के कार्मिकों की भी शिकायतें हमें मिलती हैं, तो हमने इसमें अपना पूरा 100% इसमें प्रयत्न किया है कि किसी भी प्रकार का मैनुअल इंटरवेंशन, किसी भी प्रकार का जो है मानवीय उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने पारदर्शी बनाने के लिए ये लॉन्च किया है। इसमें इसकी विशिष्टियाँ इस प्रकार की हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हमारी जो रिजर्व प्राइस होती है, उस रिजर्व प्राइस के ऊपर उसको अगली बोली जब लगानी होगी तो कम से कम 1% ऊपर उसको बोली लगा सकता है। उसके बाद में उसमें सजेशन भी आएगा कि आप कितनी बोली लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अपनी इच्छा से जितनी चाहें उतनी बोली इसमें लगा सकते हैं। उनको रियल टाइम में दिखता रहेगा कि वो क्या उस समय पार्टिसिपेट करते समय जब उन्होंने बोली लगाई है तो वो हाईएस्ट बिडर है या उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसमें हाईएस्ट है, तो करंट बोली क्या है ये भी हो सकता है। और जब भी उसका कट ऑफ टाइम होगा, जिस समय वो बोली हमारी क्लोज होगी, उससे अगर 5 मिनट पहले तक किसी व्यक्ति ने उसमें जो है कोई नई बोली डाल दी है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है जो ऑक्शन प्रोसेस है वो 5 मिनट से बढ़ जाएगा और ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि जो है हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। इसका एक और फीचर ये है कि जो हम लोग कई बार जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करवाते थे, तो उसमें अगर जो है जो लोग अनसक्सेसफुल बिडर रहा करते थे तो उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे प्राधिकरण के कि वो अपना जो जमा किया हुआ अमाउंट है उसका रिफंड कराएं। तो रिफंड कराने के लिए हमने प्रक्रिया ऑटोमेटिक कर दी है। जो सक्सेसफुल बिडर है उसका जो है जो पेशगी जमा है वो उसमें समायोजित कर लिया जाएगा और जो लोग अनसक्सेसफुल हैं, जो उस नीलामी प्रक्रिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनका जो है रियल टाइम बेसिस पर उनका रिफंड हो जाएगा। उनको किसी अधिकारी को या किसी प्राधिकरण के कर्मचारी को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो वास्तविक तौर पर नीडी लोग हैं उनको इस ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्राधिकरण की परिसंपत्तियाँ परचेज करने में सफलता मिलेगी और किसी भी प्रकार के बिचौलियों का जो एक तरीके से उसमें रोल रहा करता है उसको पूरी तरीके से हम लोग नलीफाई करने की स्थिति में होंगे। में से एक नीड फील की जा रही थी कि जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है उसको शहर के निवासियों से सीधे जुड़ना चाहिए, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए इस ऐप को डिजाइन किया है। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल पर फिलहाल खोला जा सकता है और शीघ्र ही हम लोग इसका जो आईफोन वर्जन है उसको भी लॉन्च करेंगे। पहला इसका जो फीचर है वो जो अवैध निर्माण है उसकी रिपोर्टिंग का है। इसके अंतर्गत जो है लोग अपने मोबाइल पर लोकेशन ऑन करके जो निर्माण स्थल है वहाँ का अगर फ़ोटो लेकर के भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ऐप है वहाँ की लोकेशन और समय जो है कैप्चर करता है और फ़ोटो भी आएगी, तो हम तुरंत अपने जो है फील्ड के स्टाफ को भेज करके उसका वेरिफिकेशन करा लेंगे और शीघ्र से शीघ्र उसका निस्तारण करने की स्थिति में होंगे। भविष्य के लिए भी एक हमारे लिए लॉग का काम करेगा, सो दैट हम लोग इसको जान पाएँ कि वास्तविकता में उस फील्ड के स्टाफ के द्वारा उसका निस्तारण किया गया अथवा नहीं। सेकेंड जो इसका एक अच्छा फीचर है वो हमारी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की परिसंपत्तियां होती हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो और वहीं पर हम लिंक दे देंगे तो वो सीधे जाकर के जनहित पोर्टल पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो सीधे परचेज कर सकते हैं।
तीसरा जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमारी कॉलोनीज में लोग निवास करते हैं, जो हमारे द्वारा डेवलप टाउनशिप में निवास करते हैं, तो कई बार छोटी छोटी समस्याएं उनको आती हैं जो कि सिविक एमिनिटी से संबंधित हैं, चाहे वो मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हो, कहीं पर सड़क टूटी हुई है, कहीं पर सीवर लाइन टूटी हुई है, या किसी प्रकार की साफ़ सफाई की व्यवस्था है, या कोई अन्य प्रकार का इशू उनको अपने कॉलोनी में रहते समय उनको रिपोर्ट करना है, तो उसको भी हम लोगों ने इस सिस्टम के माध्यम से कैप्चर करने का प्रयास किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन तीनों सर्विसेज को जब हम लोग जो है सिटीजन्स को देंगे, तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भी शहरवासियों के नज़दीक आएगा और शहरवासियों को भी जो है एक अच्छा डिस्पोजल रेट देखने को मिलेगा। तीसरा इनिशिएटिव जो आज हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की NIC वेबसाइट को हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें हमारे NIC के जो टेक्निकल टीम है, हेड, उनके द्वारा अच्छा योगदान किया गया है। ये वेबसाइट अपने आप में जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जितने भी क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित है। इसमें हर एक चीज़ आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी, चाहे वो संपत्तियों की जानकारी हो, चाहे वो नक्शा पास कराने के लिए किस वेबसाइट पे जाना है उसका लिंक हो, चाहे वो हमारी जो है कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डिफ़ॉल्टर हैं परिसंपत्तियों का, जिनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया उनकी सूचना हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है उनकी सूचना भी हम वहाँ पर पब्लिश करेंगे। तो और इसके अलावा जो है कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, मास्टर प्लान है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एक ही जगह इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये अपने आप में एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा और एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को, कई बार जो है हमारे पास RTI इत्यादि भी आती हैं, तो हम लोगों का है कि हम पहले से ही जो है एक प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को जो जानकारी चाहिए होती है उनको पब्लिक डोमेन में रहेंगी, तो उनको किसी प्रकार की जानकारी अलग से जाने के लिए प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये तीनों इनिशिएटिव हमारे जो हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स में से एक प्रथम चरण में एक पार्ट के रूप में है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से IT का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो हैं मुरादाबाद शहर के निवासियों को एक अच्छा एक शहर दे पाने की स्थिति में होंगे, एक प्लान्ड वे में जो है सिटी को डेवलप करने में हमें मदद मिलेगी। पब्लिक TV आपकी आवाज़।